व्यक्ति ने की गोली मारकर आत्महत्या। जनपद बागपत के थाना रमाला क्षेत्र के किरठल गांव में दिन निकलते ही एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। आनंद फानन में घायल को लेकर परिजन निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल रमाना थाना क्षेत्र के किरठल गाँव में मंगलवार की सुबह घर के अंदर सो रहे व्यक्ति मनोज ने खुद को गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में नगर के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनोज सोमवार की रात अपने घर के बरामदे में सो रहा था। मंगलवार की सुबह गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंची उसकी पत्नी रितिका ने देखा कि मनोज खून में लथपथ चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसके सर में गोली लगी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। वो अपनी घर पे लेटा आजी हम, तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, उन्होंने कैसे करा, कुकर करा, रंजिश किसी से हमारी कोई है ही नहीं। हम किसी के पास भी कोई मौका रहे हमने वो देखा जाए, पता लगा, हमने उसको सूचना कर दी। उसने कहा कि हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम उसको हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ डॉक्टर ने पता घोषित कर दिया। फिर वहाँ सी ओ वगैरह सभी आ गए, पोस्टमार्टम की दे दी। क्या नाम था इनका? ये रमाला थाने के अंतर्गत गांव कैठक है, वहाँ पर सुबह 4:30 के आसपास घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति को कनपट्टी को दाहिनी तरफ गोली लगी हुई है। उसमें उनके परिजनों के द्वारा शुरू में बताया नहीं गया और उनको लेकर के हॉस्पिटल गए, आस्था हॉस्पिटल, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। बाद में इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस टीम वहाँ पे गई, वहाँ पे सीओ भी गए और पुलिस टीम गई। इनके पिताजी की तरफ से जो मृतक है मनोज और पिंटू, इनके पिता किरणपाल की तरफ से जो तहरीर दी गई उसमें ये बताया गया है कि पारिवारिक कलह की वजह से, गृह कलह की वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि एहतियात के तौर पर हमने उनके हाथ का जो हैंड स्वैब होता है वो भी हम लोगों ने सुरक्षित करवा लिया है। बाकी इनका पोस्टमार्टम करवा करके विधि कार्रवाई की जा रही है।